नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले एक दिवसीय मैच में अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से फेल हो गए हैं। जी हां, अजिंक्य रहाणे मात्र 5 रन के स्कोर पर कुलटन नायन की गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उससे पहली गेंद उन्हें नो बॉल मिली थी और उस गेंद का भी वो फायदा नहीं उठा सके। कुलटन नायन ने अपने ओवर की पहली गेंद को नो बॉल दिया, जिसके बाद उन्हें फ्री हिट मिली। अजिंक्य रहाणे फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए और गेंद खाई चली गई, जिसकी अगली गेंद पर अजिंक्य रहाणे विकेटकीपर को कैच देकर आउट हो गए। इस बात से एक बार फिर साबित होता है कि अजिंक्य रहाणे जितने बेहतर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में हैं, उतने ही खराब बल्लेबाज शायद एक दिवसीय मैचों में हैं। और टीम इंडिया को इस पर विचार करना होगा कि जो रोहित शर्मा वनडे में बेहतर खेलते हैं वो टेस्ट में बेहतर नहीं खेल पाते, और जो अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट में बेहतर खेलते हैं वो एक दिवसीय क्रिकेट में बेहतर नहीं खेल पाते। शायद टीम इंडिया को खिलाड़ियों को डिवाइड करने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें।